हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो ड्राइंग होते हैं अपने पास, आरसीसी ड्राइंग और आर्किटेक्ट ड्राइंग, ये दोनों हम एक दूसरे के ऊपर रख के यानी उसकी प्रोसेस को सुपर इम्पोज कहते हैं, तो आज वो हम यहाँ पर सीखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में दो विंडोज अभी यहाँ पे ओपन है, एक है आर्किटेक्चर और दूसरा है हमारा आरसीसी। तो अभी हमें यहाँ पर सुपर इम्पोज करने से पहले, हम शुरू करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें आर्किटेक्ट जो कोऑर्डिनेटेड होता है, जो यानी अपने जो हमारे पास में आरसीसी से ज्यादा हम मायने जो रखते हैं वो आर्किटेक्ट ड्राइंग को, क्योंकि आर्किटेक्ट जो होते हैं उस डिजाइनर के हिसाब से हमें आरसीसी वर्क करना होता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर जो उसके कोऑर्डिनेट होता है, जो मार्किंग होती है या उसके जो कॉर्नर्स जो होते हैं, जो भी आरसीसी ड्राइंग होती है, वो हमें आर्किटेक्ट ड्राइंग के हिसाब से हमें काम करने के लिए रेडी रखते हैं। तो वैसे दोनों भी हम काम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर अभी आर्किटेक्ट ड्राइंग के ऊपर में आरसीसी ड्राइंग लैप करना पड़ता है। तो लैप करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सुपर इम्पोज कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सुपर इम्पोज क्यों करते हैं, जैसे कि हमारे पास में कोई कॉलम रिड्यूस होता है या कोई वॉल रिड्यूस होती है या कोई बीम का बॉटम होता है या वो अलग जगह पे है या नहीं, वो हमें चेक करने के लिए, जैसे या कोई कॉर्नर है उसका कॉर्नर इस जो दिखाया है, जैसे ये दिखाया है वो 19.22 ये मीटर पे है, तो ये वाला उसमें सेम सॉफ्ट कॉपी में है क्या, उसके लिए, या हमें जो सॉफ्ट कॉपी कॉपी का जो काम होता है वो हमें एकदम जल्दी से निकलने के लिए, या ये सेटरिंग मापी कितना होगा, या जैसे कि बीबीएस जो होता है हम यूज करते हैं, बीबीएस जब बनाने के लिए हमें डायमेंशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्रॉस वाला गाला होता है, तो हमें बहुत इसके भी बहुत हमें जरूरत होती है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिएगा, हमें सुपर इम्पोज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसकी प्रोसेस हम चालू करते हैं। तो दोस्तों, अभी देखिएगा, एक हमारे पास में आरसीसी का विंडो ओपन है और दूसरी जगह है हमारा आर्किटेक्चर। तो अभी हमें क्या करना है, ये सबसे पहले हमें देखना है कि हमें ये ड्राइंग जो है वो कैसे है, एमएम पे है या मीटर। अभी हम यहाँ पर एक कॉलम पकड़ लेते हैं, जैसे कि 45 कॉलम पकड़ते हैं आपके सामने और इसका डायमेंशन चेक कर लेते। तो अभी इसका डायमेंशन है 0.90 यानी ये मीटर पे है, ठीक है। उसके बाद हम सेम यही सॉफ्ट कॉपी में चेक कर लेते हैं, 45 जो कॉलम पकड़ लेते हैं, तो अभी यहाँ पर जो 45 कॉलम है इसका डायमेंशन है सेम वही आ रहा है। अभी यहाँ फिलहाल एरर थोड़ा सा दिखता है, ये देखिए 900 यानी 900 mm, ये एमएम पे ड्राइंग है, और ये जो हमारे पास आर्किटेक्चर ड्राइंग है वो मीटर पे ड्राइंग है, ठीक है। अभी जब आर्किटेक्चर ड्राइंग मीटर पे है तो उसके हम जो सॉफ्ट कॉपी है जो आरसीसी का, तो उसको मैच करके हमें पता चलना चाहिए कि ये जो वॉल जो होती है वो रिड्यूस कहाँ से होती है, या कॉलम जो है वो गोल, जैसे कि सर्कल कॉलम है और मान लीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर कॉलम हो सकता है या नहीं, ये सब हमें आर्किटेक्चर ड्राइंग में ही जाके देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए भी हमें बहुत ये जो पोजीशन होती है, जैसे कि कटआउट है, ये कटआउट की साइज जो है वो आरसीसी में होती है क्या, वो सब देखने। तो अभी आप प्रोसेस चालू करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये हम डायमेंशन दोनों का चेक करना है, जैसे कि इसका जो आर्किटेक्ट है वो हमारा मिलीमीटर में है और जो हमारा आरसीसी है जो सॉफ्ट कॉपी वो है एमएम पे। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो ड्राइंग है इसको सेलेक्ट करना है, माउस का लेफ्ट साइड बटन दबा के उसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करके सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी, जैसे कि हम एक्सेल में करते हैं सेम वैसे प्रोसेस करना है। उसके बाद हमें विंडो ओपन करना है इसका आर्किटेक्ट ड्राइंग का, और इससे साइड में थोड़ा सा आके यहाँ पर कंट्रोल वी करना है। अभी यहाँ पर वी कर दिया, फिर एक कोई तो पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो अभी देखिएगा, ये जो हमारा ड्राइंग आ चुका है, ये वाला जो है वो ये जो है ये मीटर पे है, और जो हमारा पास ड्राइंग है वो है हमारा एमएम पे, हमने जो कॉपी करके लाया इस विंडो पे। तो अभी यहाँ पर है ये एक ही दिखेगा, ये दिखेगा नहीं, इसके लिए हमें जूम आउट करना है। देखिएगा ये जो दिखी गई, जैसे कि ये जो था ये एमएम वाला है, इसके लिए ये ड्राइंग हमें
दिखेंगे रे। तो अभी जूम आउट करने के बाद में दिखती है, और सेम यही हमारा आरसीसी ड्राइंग, ये देखिएगा आर्किटेक्ट ड्राइंग बहुत स्मॉल दिख रहा है ना स्मॉल। तो अभी जो हमारे पास में आरसीसी ड्राइंग है उसको यहाँ पर हमें मीटर करना होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस करना होगा, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट सेम जैसे कि माउस का लेफ्ट साइड का बटन टच करके उसको पूरा एरिया कवर करके सेम प्लीज फिर से माउस का लेफ्ट साइड बटन दबाना है। ये सेलेक्ट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, अभी यहाँ पर हमें सेलेक्ट करने के बाद में स्केल बटन दबाना है, स्केल कमांड डालना है SCALE, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी टाइप होता है, फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पर टैब बटन दबाना है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर में जो होता है TAB टैब बटन दबाना है। टैब बटन दबाने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ड्राइंग MM है इसके लिए हमें मीटर पे करना है। तो जैसे कि हमारा 1000 mm होता है तो उसको हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं तो हमें कितना आता है, 1 आता है, जैसे 1 मीटर आ रहा है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी डालने वाले हैं, 1000 से करना है तो इसके लिए 0.001, तब इसको करेंगे तो हम मीटर में आ जाएंगे। इसको एंटर बटन दबा देते हैं, एक गलती कर दिया, क्या गलती किया, फिर से सेम वही पोजीशन। अभी हम यहाँ पर स्केल फिर से यहाँ करते हैं SCA, या स्केल डाल दिया, एंटर कर दिया, सेलेक्ट किया, इसका पॉइंट पकड़ा, एक पॉइंट जो कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ लेते हैं, उसके बाद टैप बटन दबाना है, उसके बाद में हमें यहाँ पर 0.001 और एंटर करना है। ये हमारा आ गया ड्राइंग। भी ये ड्राइंग का जो अदर वाइज जो चैप्टर है, जैसे कि हमारा जो डायमेंशन या टेक्स्ट जो होती है, वो डायमेंशन सेंटर जो है वो नहीं आएगा, तो इसको जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें इसको हटा देना है। ठीक है, ये हटा गया। उसके बाद यही सेम ड्राइंग को हमें सेम जैसे सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स बटन दबाना है, ताकि एक्स करने से हमें यहाँ पर पूरा कटआउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेम कंट्रोल वी दबाने के बाद इसके बगल में आ जाएगा, यानी उधर का पूरा कट होके यहाँ पर आ गए। अभी कट और पेस्ट हो जाता है। अभी सेम यहाँ पर जो है, यहाँ तक प्रोसेस आ गए। अभी हमें क्या करना है, ये जो ड्राइंग है सेम इस जगह पे लाना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अभी अलाइन कमांड एंटर करना है, ALIGN, और एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद में इसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर 3 पॉइंट पकड़ना है, ठीक है ना, 3 पॉइंट। तो सबसे पहले जो हमारा आरसीसी जो ड्राइंग लाया था वहां का पॉइंट पकड़ना है। तो जो लिफ्ट होता है, लिफ्ट का जो अंदर का जो साइज होती है वो कभी भी यहाँ से वहां कम रिड्यूस नहीं होती, वो आप सभी को पता है। लिफ्ट के अंदर के जो अंदर के कॉर्नर होते हैं वो कभी भी रिड्यूस नहीं होते। इसके लिए हम यहाँ पर देखिएगा SW1 का, इसका अंदर का एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं और इसको बराबर पॉइंट पकड़ लेना है। सेम आर्किटेक्चर का ड्राइंग का जो पॉइंट है वो देखिएगा SW1, यहाँ पर हमें बराबर में परफेक्ट कर देना। ये हो गया एक पॉइंट। उसके बाद में दो पॉइंट दूसरा नंबर का, सेम अभी यहाँ पर हम 1 का लिया था, इसके लिए हम यहाँ पर 9 का लेते हैं, 9 का बराबर पॉइंट पकड़ लिया। सेम यहाँ पर हम 9 का पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, अभी हमें यहाँ पर इस साइड का दोनों पॉइंट लिया था, अभी इस तरफ का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इस तरफ में हम जो है SW12 का जो अंदर का कॉर्नर है वो पकड़ लेते हैं। सेम यहाँ पर SW12 का अंदर का कॉर्नर पकड़ लेते हैं। ये देखिएगा, ये ड्राइंग आ गया हमारा, एक के ऊपर एक हो गया, ये सुपर इम्पोज हो गया। अभी यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, जैसे कि हमारा जो सज्जा था सबसे इम्पोर्टेंट था, वो सज्जा कितना बाहर आता है, ये देखिएगा, ये 2 मीटर, यानी आरसीसी में जो दिखाया वही सेम आर्किटेक्चर में भी ड्राइंग में दिखाया है।
इसके लिए हमारा बराबर है। और दूसरा क्या देखना है, कटआउट। अभी कटआउट देखिएगा यहाँ क्या साइज दिया है, 0.3। अभी देखिएगा यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पर है वॉल की तरफ से हम या आरसी से देखने जाते हैं तो 0.3 है क्या, हाँ है, तो बराबर। ये सब देखने के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कटआउट साइज देखने के लिए या कोई वॉल है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस में जो वॉल है देखिएगा इसका आउटर फेस में दिया है, ये यहाँ पर वॉल जो आरसी से वॉल होती है, तब यहाँ पे हमें वॉल आरसी से बाहर करना है आर्किटेक्चर। इसके लिए आर्किटेक्चर में जो देखता है वही हमें यहाँ पर फॉलो करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। अभी देखिएगा यहाँ पर देखो ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर एकदम सही है क्या, जो आरसीसी में है वही आर्किटेक्चर में है क्या, वो भी देखना है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी सेम है, ये भी कॉर्नर के लिए देखना बहुत इम्पोर्टेंट। यानी जो बिल्डिंग का जो आपको लगता है ये मेरे को क्रिटिकल है, तो वो सब पॉइंट यहाँ पे अभी देखिएगा, यहाँ पर भी आपको यहाँ पॉइंट कहाँ से शुरू होता कहाँ मतलब सब खत्म होता वो भी देखने के लिए हमें यहाँ पर था, ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद में जो हमारे पास में गोल जो राउंड कॉलम है तो वो भी सही है क्या, यानी जो हमने दिए है वही उसके हिसाब से है क्या, वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट। उसके लिए भी बहुत ही काम आता है। जैसे भी देखिएगा यहाँ पर भी एक कॉलम है ये 39, जैसे कि इस ये जो बीम है बीम से हटके, लेकिन यही हमको आरसीसी में देखते तो हमें कंफ्यूज हो जाता, सेम आर्किटेक्ट में है इसके लिए हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो सेम ऐसे ही सब ये काम देखने के लिए जो आरसीसी वर्क का जो सॉफ्ट कॉपी होता है सेम आर्किटेक्चर ड्राइंग की वो बराबर मैच करता है क्या, उसके लिए हमें ये सॉफ्ट कॉपी जो सुपर इम्पोज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हम साइट पे आर्किटेक्चर जो ड्राइंग होता है तो उसके ऊपर हम आरसीसी ड्राइंग सुपर इम्पोज करते हैं। और एक फिर से ध्यान से रखने के लिए बात है कि जो हमारा आर्किटेक्चर ड्राइंग है उसको उठा के आप जो आरसीसी सॉफ्ट कॉपी है उसके ऊपर सुपर इम्पोज मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो काम करते हैं वो आर्किटेक्चर के हिसाब से काम करते हैं, और जो आर्किटेक्चर ड्राइंग जो होता है वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि उसके डिजाइनर के हिसाब से हमारा आरसीसी डिजाइनर बनाया जाता है। तो आरसीसी में शायद इधर का उधर चेंज हो सकता है तो उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्ट जो होता है उसको चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर जो होता है उन्होंने ही किया, जो डिजाइन होती है वो बिल्डिंग की डिजाइन जो होती है वो उसके हिसाब से हम करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच।